है नाहरलगुन एरिया पे। तो आज हम फोकस करने जा रहे हैं मेनली नाहरलगुन के एरिया पे, क्योंकि हम लोगों ने पहले न्यू दिल्ली के एरिया को कंप्लीट कर चुका था। तो आज हमारा स्पोर्ट होगा नाहरलगुन का हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने कंकन नाला, उसके बाद में डेली मार्केट, फिर होगा इग्नो ऑफिस जी सेक्टर पे, उसके बाद हम लोग आएंगे। इस मुसीबत का कारण कौन है? हम हैं, जो हम ये प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं, इससे नाले भर जाते हैं और नाले गंदे हो जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, हो सके तो आज ही बंद करो। बिल्कुल सही, मैं आप और हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सब कैसे? प्लास्टिक को मत अपनाओ, मत अपनाओ, मत अपनाओ, ऐसी गलती मत दोहराओ, मत दोहराओ, मत दोहराओ। हम तैयार हैं ये संकल्प लेने के लिए कि प्लास्टिक को नहीं बनाना है। ये जो मुहिम चला रहा है प्लास्टिक बैन के लिए, प्लास्टिक हटाने के लिए, प्लास्टिक से क्या हानिकारक होता है ये बच्चों ने दिखाया। अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का स्टूडेंट लोगों ने दिखाया, इसको कोऑपरेट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। बहुत ही ये यहाँ तक नहीं है, बच्चे कोने कोने में दिखाना चाहिए इसका क्या हानिकारक होता है, क्या प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को बच्चों ने एकदम सुंदर से दिखाया है, अपना तरीके से दिखाया है। इसके लिए हम सबको फोकस करना चाहिए, हर कॉलोनी से, हर सेक्टर से, या सोसाइटी के हर कॉर्नर से हम लोग इसको साथ देना चाहिए और ये जो मुहिम को सक्सेसफुल में लाना है, ताकि हम प्लास्टिक का जो हमारे ऊपर में जो अत्याचार जो हानिकारक होने जा रहा है उसको हम बैन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। कम से कम पूरा कोऑपरेट कम्प्लीटली बंद नहीं होने से भी यूज़ नहीं करना चाहिए, आज से प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे आपको क्या सीखने मिला है? मैं मतलब सीखने में तो बहुत सीख है ना, प्लास्टिक मतलब जहाँ का मत फेंको, फिर मतलब अगर चलाने से भी मतलब उससे बहुत पोल्यूशन है ना, मतलब खराब है। फिर मतलब हम एक चीज़ पूछना था, मतलब प्लास्टिक नहीं होगा तो मतलब चिप्स खाते हैं, मतलब जो हम खाते हैं। और हम भी एक स्टूडेंट हैं आप लोगों की तरह, और हमको ऐसे क्यों अच्छा लगा है उनसे, जो आप लोग जो यंग जो हम जनरेशन सेम है हम लोग का, तो अभी से आप लोग अवेयर है कि मतलब प्लास्टिक अच्छा नहीं है हम लोग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। सो आप लोग ये सब मतलब वर्कशॉप जो आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं ऐसे वो अच्छा है, मतलब इन फ्यूचर ऐसे मतलब इनकेस हम लोग जो पब्लिक लोग है इसको थोड़ा अवेयर करके थोड़ा प्लास्टिक थोड़ा जस्ट 5 मिनट का है।
ये प्लास्टिक नहीं होने से ना हम लोग कितना ये स्वर्ग जैसा सुंदर होगा, हम लोग का देश जो इतना सफा जगह है, पहाड़ है इतना, और कोई भी पानी इधर भी बारिश आने से भी पानी नहीं बेचते, हम लोग का चला जाता है। ये प्लास्टिक से देखो कितना मार्केट गंदा हो गया, ये कितना सुंदर होना था ना, हम लोग का ये अरुणाचल भी एकदम स्विट्जरलैंड जैसे सुंदर होना था, लेकिन आदमी लोग पूरा गंदा करता है ना, जबरा इधर फेंकता है मार्केट में, जितना भी नहीं फेंकने वाला को भी फेंकता है। हम तो अपना घर में जितना केरी फेंके उसको हम एक टुकड़ा में बांध कर रख देते हैं, और जितना जबरा यू सब्जी उब्जी का उसका हम जमीन में फेंकता है, कचरा ये एक के लिए रख देता है, उसके बाद जितना ये केरी बेच है उसको हम जला देता है, ऐसे अच्छे से हम जो केरी और सब्जी लेने वाले लोगों को हम अपना दुकान में भी हम कपड़ा का झोला बेचता है, तो उसको हम हमेशा बोलता हूँ आप लोग ये झूला खरीदो। आइडिया कैसा है गवर्नमेंट का, इनिशिएटिव कैसा है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तो आपने सोचा कि आप एक बिजनेस कम्युनिटी है, आपके ये प्लास्टिक बैन हो जाने से शायद आपको बिजनेस में घाटा भी हो सकता है? नहीं, वो तो हो जाएगा, कुछ दिन तो ऐसा होगा फिर ठीक हो जाएगा। सोचा है अगर प्लास्टिक बैन हो जाएगा तो हम लोग का अभी फिर भी तो हम लोग सामान लेने के लिए कुछ तो भी होगा, फिर भी बैन हो जाएगा तो हम लोग का कस्टमर को आने के लिए जो बाहर जाते हैं दिक्कत आएगा, दिक्कत मतलब हमारा सेलिंग होता है कम होता है, लेकिन आपको जो किसी के कोई घूमने आ गया जरूर को सामान लेने नहीं सीखेगा। ये आया है, ये कॉटन का थ्री बैग आया है, कॉटन का तो बैग आया है लेने वाला। तो ये गवर्नमेंट का जो प्लास्टिक बैन है तो आपका ख्याल से ये क्या अच्छा आइडिया है ना बुरा आइडिया है? अच्छा है ना, पर अगर कोई झूला नहीं लाया है और वो सामान खरीद रहे आपसे बारिश हो रहा है, बट स्टिल वी आर परफॉर्मिंग बिकॉज हमने जगह डिसाइड कर लिया था एंड हमने इन्हें हुए थोड़ा मोबिलाइज भी कर दिया था, तो मोबिलाइजेशन के बाद तो रुक नहीं सकते, सो ऑब्वियसली वी आर स्टिल, आवर स्टूडेंट्स आर स्टिल परफॉर्मिंग। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों पर सभी लोगों का ये मैसेज पहुंचा होगा आज का मैसेज और उस दिन का मैसेज कि प्लास्टिक फ्री स्टेट बनाना है हमारे अरुणाचल को। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, ये जो वीक चल रहा है स्वच्छता ही सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव वो भी है, MSW डिपार्टमेंट से है कोर सेम पे, तो ये हम लोग उसकी शो किया है यहाँ पे नाहर लगन हर जगह पे, तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बिकॉज हम कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं शो मतलब कई रास्ता वास्ता में, तो ऐसे अभी तक हम प्लास्टिक बनाए तो एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा बिकॉज हम जो प्लास्टिक अवेयर कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और मेनली बेसिकली हमको अच्छा जहाँ में डेली मार्केट में लगा बिकॉज वहाँ में बहुत सारा सब्जी वगैरह का बैग यूज़ करते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन, तो ऐसे है कि मतलब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। हम भी सोचते हैं हमारा स्वच्छ भारत अभियान को हम भी मानता है, तो उस तरह से आप लोग जो आया है
तो यहाँ में जितना पोलो कॉलोनी में, पोलो कॉलोनी नाहरलगन में जितना प्लास्टिक जो फेंकता है, जो मेरा घर में प्लास्टिक होने से भी हम स्कूटी में उठा के डस्टबिन में, कोई गोरु खाता है, कोई क्या होता है, पेट में पहुँच जाने से सब्जी होता है, उसके लिए तो अच्छा है, हम भी बॉन किया है ना। ठेली लेके जाना पड़े, तो आप मानते हैं ना इंडिविजुअल एक्शन, दिस स्लोगन, द प्लास्टिक फ्री कैंपेन, द स्वच्छता ही सेवा, दिस कैंपेन विल नॉट फुलफिल, बट वी शुड इंडिविजुअली वर्क ऑन दिस सो दैट इट विल फुलफिल इन नियर फ्यूचर एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन व्हिच इज वेरी यंग, सो स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड इन डेज टू कम ऑल्सो we will work on this. Thank you each and everyone, thank you lovely people of second dada street play ka aur last day bhi tha ye street play ka, hum logo ye last din tha ye message pahunchane ke liye, india ko thank you dena chahta hu ki hum logo ko mauka diya ye message pahunchane ke liye, ye society ko pahunchane ke liye plastic se kya hota hai aur kya nahi hota hai, to acha experience tha ye street play karke aur mere liye taki aap sabko clear ho ki hum log kya kar rahe hain apna street play se aur kya batana chahta hai, तो बस ये दो दिन का एक अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत फ्रूटफुल एक्सपीरियंस रहा, और अगर मैं किसी को भूल गया कि मेंशन करने के लिए या किसी को थैंक्स देने के लिए उसके लिए सॉरी, बस लेकिन अपने डिपार्टमेंट के लोग और आरजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक यू देना चाहता हूँ। I don't know where. Ne bolo na.